दोस्तों, आप में से अधिकांश लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आप में से सभी लोगों ने AIPGT 2023 का एग्ज़ाम दिया होगा। और यह एग्ज़ाम जो है इस साल 31 जुलाई को हुआ था और अभी कुछ दिन पहले ही इसका आंसर शीट भी रिलीज किया गया था और जिसमें जो जो क्वेरीज थी उसके बारे में मांगा गया था रिप्रेजेंटेशन कि अगर किसी को कोई आंसर पर आपत्ति है तो उसको भेज सकता था। इसमें 120 क्वेश्चन थे, 2 घंटे का आपको टाइम मिला था और हर एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स थे और 1 नेगेटिव मार्क्स था, यानी कि टोटल पेपर जो है 480 नंबर के थे 120 क्वेश्चन के हिसाब से और 1 का 4 नंबर था, तो टोटल 480 नंबर का पेपर था। तो सब लोगों ने जो आंसर की रिलीज की गई है उसके अनुसार अपना अपना मार्क्स भी तैयार कर लिया होगा कि किसको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं इस एग्जाम में। तो इसके बाद जो है अब बारी आती है कि किसको कितना रैंक मिल सकता है, तो इसको लेकर बहुत से कोचिंग संस्थान हैं, कुछ ऑनलाइन है कुछ ऑफलाइन है, तो सबने अपना अपना जो जो इंटरनल सर्वे था उन लोगों ने किया है अपने स्टूडेंट्स के बीच में और सबने अपना एक प्रोविजनल जो है रैंक लिस्ट रिलीज किया है। तो उनमें से कुछ रैंक लिस्ट का हमने भी ऑब्जर्वेशन किया है और उसके हिसाब से जो एक कंक्लूजन है उसको मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ आपको कि कितने मार्क्स आपके हैं तो आपको कौन सी रैंक मिलने की संभावना ज़्यादा है। तो ऐसा ही एक लिस्ट मेरे पास भी आया था जिसमें कि अगर आपका 365 से 390 नंबर है तो आपकी रैंक जो है 1 से 20 के बीच होने की संभावना ज़्यादा है। अगर आपके मार्क्स 350 से 365 के बीच है तो आपको 21 से 50 के बीच रैंक आने की संभावना है। अगर 330 और 350 के बीच आपके मार्क्स हैं तो आपको 50 से 100 के बीच आपका रैंक होने की संभावना है। अगर आपके मार्क्स 310 से 330 है तो आपका रैंक 100 से 200 के बीच रहने की संभावना है। अगर आपका मार्क्स 290 से 310 के बीच में है तो 200 से 300 के बीच आपके रैंक रह सकती है। अगर आपके मार्क्स 280 से 290 के बीच है तो आपका रैंक 300 से 400 के बीच रहेगा। आपके मार्क्स अगर 270 से 280 के बीच है तो आपका रैंक 401 से 500 के बीच रहेगा और अगर आपके मार्क्स 260 से 270 के बीच है तो आपका रैंक जो है 500 से 1000 के बीच रहने की संभावना है। तो एक टेंटेटिव रैंक लिस्ट है, इससे ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि ये सर्वे पे आधारित है जैसा कि बहुत से कोचिंग संस्थानों ने अपने छात्रों के बीच किया था, तो हमेशा एक्यूरेट तो नहीं होता लेकिन मैक्सिमम चांस रहता है कि इसी के बीच आपकी रैंकिंग रहेगी, थोड़ा सा ऊपर नीचे जरूर हो सकता है। तो इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपकी जो मार्कशीट है या आपने जितने मार्क्स पाया है तो आपके क्या क्या रैंक रहने की संभावना है और इससे आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि आपको कौन सा संस्थान मिलेगा और आपको ऑल इंडिया कोटे से सीट लेना बेनिफिशियल रहेगा या स्टेट कोटे से लेना आपके लिए लाभदायक होगा।